जिस लम्हे का इंतजार झारखंड रणजी ट्रॉफी टीम पिछले 12 साल से कर रही थी वो आखिर आ ही गया। 2004 से 2005 में रणजी ट्रॉफी के प्लेट कैटेगरी के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद पहली बार झारखंड रणजी टीम ने भारतीय घरेलू क्रिकेट की सर्वोच्च टूर्नामेंट के अंतिम चार का टिकट हासिल किया है। हरियाणा को हराने के बाद सेमीफाइनल में पहुंची झारखंड के जोरदार प्रदर्शन के पीछे हाथ है भारतीय सीमित ओवर टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का। 2004 में पहली बार देश के लिए खेलने के बाद से अपनी राज्य टीम से अधिकतर मौकों पर दूर ही रहे धोनी ने सत्र में टीम इंडिया की जिम्मेदारी से मिली मुक्ति का लाभ झारखंड रणजी टीम के युवाओं को कुछ बताने के लिए उठाया और नतीजा झारखंड टीम की सफलताओं के रूप में सामने आया। कैप्टन कूल के नाम से मशहूर धोनी के तरीके उनके टीम इंडिया का कप्तान बनने के पहले दिन से ही विशेषज्ञों को लुभाते रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल कप्तान के तौर पर मशहूर रहे धोनी ने झारखंड टीम के मेंटर के तौर पर भी प्रयोगों में कोताही नहीं की। इसका बेहतरीन उदाहरण हरियाणा के खिलाफ खत्म हुआ क्वार्टर फाइनल मैच ही कहा जा सकता है। क्वार्टर फाइनल की पहली पारी में मध्य क्रम में उतरे विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन के फेल होने के बावजूद धोनी ने उन्हें दूसरी पारी में ओपनिंग में उतारने की सलाह दी। नतीजा ईशान की धुआंधार पारी की बदौलत झारखंड को चौथे दिन ही मिली जीत के रूप में सामने आया। दरअसल धोनी का इतने साल बाद अपनी राज्य टीम से जुड़ने के पीछे खुद का लाभ भी था। टीम के नॉकआउट राउंड में पहुंच जाने के कारण वह उसके लिए नहीं खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने टीम से मेंटर के रूप में जुड़ने का निर्णय लिया। इसके चलते धोनी झारखंड रणजी टीम के अभ्यास सत्र से भी जुड़े रहे और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर होने के बावजूद उन्हें उच्च स्तरीय प्रैक्टिस का मौका मिलता रहा। धोनी ने आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच 29 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था और अब उन्हें अगला मैच 15 जनवरी को इंग्लैंड के खिलाफ खेलने का मौका मिलेगा। बीच के इन ढाई महीनों में बिना अच्छी प्रैक्टिस के फिटनेस और फॉर्म दोनों प्रभावित होने से बचाने के लिए धोनी को जिस अच्छे अभ्यास की जरूरत थी वो उन्हें झारखंड रणजी टीम के मेंटर के तौर पर मिलता रहा।